गुड इवनिंग एवरीवन, केमिस्ट्री क्लासेस बाय नवनीत सर में आपका स्वागत है। तो बेटा, जैसे कि अभी आपको पता है कि आप लोगों की प्लस टू हो जाएगी और इसके बाद आप लोग कई तरह के एग्ज़ाम दोगे। कुछ उनमें से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, जैसे JEE हो गया, नीट हो गया, या CUET भी एक ऑप्शन है हमारे पास। तो आज जो मैं आपके साथ बात करूँगा बेटे, वो CUET के बारे में बात करूँगा कि CUET है क्या हमारे पास और इसमें हमें क्या क्या करना होता है, कब एग्ज़ाम होगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बेटे, जो CUET है हमारे पास, ये हमारे पास एक एंट्रेंस टेस्ट है जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलके इकट्ठा लेती हैं। जैसे होता क्या था कि पहले हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एग्ज़ाम होता था, तो अब क्या हो गया कि सब यूनिवर्सिटीज़ एक प्लेटफॉर्म पर आ गई हैं। सब तो नहीं बोलूँगा, लगभग बोलेंगे हम लोग यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सारी की सारी। तो अब वो क्या करती हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है और उस एंट्रेंस टेस्ट का नाम है, वही हमारे पास क्या है, CUET के नाम से है। ठीक है जी। तो इसके अंदर कुल मिला के लगभग 300 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास, जो आपको 100 प्लस कोर्सेज हैं ऑफर करते हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि लास्ट ईयर लगभग 15 लाख बच्चे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, ये पेपर दिया था। इस बार उम्मीद है कि लगभग 20 लाख के आसपास बच्चे इस एंट्रेंस टेस्ट को देने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसके जो एग्जाम फॉर्म की डेट है बेटा, वो 26 मार्च तक है हमारे पास। तो यानी कि आप 26 मार्च तक इसका फॉर्म भर सकते हो और इसका जो एग्जाम डे होगा वो रहेगा 15 से 30 मई के बीच में। अभी कोई डेट फाइनलाइज नहीं हुई है, जैसी होगी वो मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए उम्मीद ये है कि 15 से लेके 30 मई के बीच में इसकी डेट रहने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो एग्जाम है 300 प्लस यूनिवर्सिटीज करवा रही हैं, इसमें से लगभग 47 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 49 आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, 33 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और लगभग 140 के आसपास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं आपकी। ठीक है जी। तो अब इसके अगर एग्जाम मोड की बात करें तो दोनों तरह से होगा ये पेपर, ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। ऑनलाइन बोले तो जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT बोलते हो आप उसको, तो वो होगा यहाँ पे। ऑफलाइन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव आना है आपके पास, OMR शीट मिलेगी, तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। अभी ऑफलाइन किसके केस में होगा और ऑनलाइन किसके केस में होगा, ऑफलाइन होगा कि अगर आप लैंग्वेज रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हो, ठीक है जी, या फिर आप साइंस डोमेन का कोई टेस्ट है आपके पास, BBSC के लिए है या समथिंग लाइक दैट, या कॉमर्स का कोई है, ठीक है, तो वो जो होंगे वो ऑफलाइन होंगे, बाकी जितने होंगे वो ऑनलाइन होने वाले हैं। अब इसके अंदर आपको कोर्सेज कौन कौन से ऑफर होंगे, जैसे BSc होगी आपकी, BTech होगी, BA होगा, BBA होगा, BLLB होगा, BCom होगा आपका, BCA होगा, BMS होगा। और अगर कोई बच्चा, जैसे आजकल क्या हो गया कि पहले BEd अलग से 2 साल की होती थी, अब एक कंबाइंड भी आ गया हमारे पास 3+1 कि 3 ईयर की आपकी ग्रेजुएशन साथ में BEd एजुकेशन, ठीक है जी, तो 4 साल का आपका वहां पे वो कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं आपको ये, ठीक है। इसके लिए आपकी जो साइट रहेगी वो रहेगी NTA.ac.in, CUET UG, ठीक है। तो उसके ऊपर जाके आप और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो भी वहां से मिल जाएगी। अब बात करते हैं बट इसके एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें हमारे पास 3 सेक्शन होने वाले हैं। जो सेक्शन 1 होगा वो लैंग्वेज का होगा, लैंग्वेज मीन्स जैसे कि जो बच्चे मैं CBSE के पढ़ा रहा था तो आपकी इंग्लिश रहेगी, वैसे तो आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं इसमें, ठीक है जी, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, जो भी रीजनल लैंग्वेजेज हैं वो भी हैं, बट लेकिन जो CBSE वाले थे तो आप इसमें इंग्लिश रखोगे, ठीक है जी। अब इंग्लिश में इसमें हमारे पास आएंगे कुल मिला के 50 क्वेश्चंस, उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे और आपको टाइम मिलेगा इसमें 45 मिनट्स का, ये पहला सेक्शन कंप्लीट करने में। तो इसमें इंग्लिश कैसे आएगी, जैसे कि जो आप प्लस टू में पढ़ते थे वो नहीं आनी सारी, ठीक है जी। इसमें जैसे आर्टिकल आते हैं अपने पास और जो भी कम्पिटिटिव में आते हैं आपके पास, अब ज़्यादा मुझे इंग्लिश का नहीं पता, ठीक है जी, तो ग्रामर आएगी जितना मेरी नॉलेज में है इसके अंदर, तो वो आपको तैयार करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है ना। जो हमारे पास इसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं 50 में से, ठीक है जी, और 45 मिनट्स इसका टाइम रहेगा। जो सेक्शन 2 होगा उसमें आपको 12th जो आपने पढ़ी है, आप साइंस से हो या कॉमर्स से हो या ह्यूमैनिटीज से हो, किसी से भी हो, तो वहां से आपको 4 पेपर सेलेक्ट करने पड़ेंगे वहां से। तो जैसे कि जो बच्चे हैं PCM प्लस फिजिकल ले लेते हैं, कई PCB प्लस फिजिकल ले लेते हैं, या आपके पास कंप्यूटर साइंस था तो उसको भी आप एड ऑन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड सेक्शन रहेगा, इसमें भी जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको 45 या 50 मिलेंगे, तो मीन्स अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग क्वेश्चन है, किसी में 45 है, किसी में 50 है।
तो अगर 45 मिल रहे हैं तो उसमें से आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं, अगर आपको 50 क्वेश्चंस मिले हैं तो बेटा उसमें से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 45 मिनट से 60 मिनट। जैसे कि अगर मान लीजिए आप केमिस्ट्री के लिए जा रहे हो, केमिस्ट्री ऑनर्स आपने सेलेक्ट करना है, तो उसमें क्या होगा कि न्यूमेरिकल्स होते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट आता है, या मैथमेटिक्स से कोई बच्चा करना चाह रहा है तो फिर उनको 60 मिनट्स मिलेंगे। पर लेकिन अगर कोई लैंग्वेज के लिए जा रहा है तो फिर उसको 45 मिनट्स मिलने वाले हैं इसमें। तो ये तो हो गए बेटे आपके दो सेक्शन, जिसके अंदर कुल मिला के आपके 5 पेपर हो चुके हैं इसमें, पहला लैंग्वेज का और 4 जो आपके सब्जेक्टिव डोमेन के थे, जो भी आप पढ़ रहे थे वो वाले। लास्ट जो सेक्शन रहेगा सेक्शन 3rd, वो आपका एक जनरल टेस्ट होगा, GT बोलते हैं जिसको, ठीक है जी। तो इसके अंदर आपके जैसे कि कंपटीशन में आता है उस तरह के कई सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चंस हैं वो GK रिलेटेड हो सकते हैं आपके, ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं बेटे 60 क्वेश्चंस, और उसमें से आपको करने हैं 50 क्वेश्चंस, ठीक है जी। और टाइमिंग इसके लिए भी कितनी मिलेगी, 45 मिनट्स ही आपको मिलने वाले हैं। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोट की, जो पहला सेक्शन है और 3rd सेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास। सब्जेक्ट वाला तो था इंपॉर्टेंट, ये वाला सेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो चुका है आपके पास, ठीक है जी। इसके बाद कुल मिला के 6 पेपर हो गए आपके, एक लैंग्वेज का हो गया, 4 आपके जो भी डोमेन था उसके हो गए हैं, एक GT हो गया आपका, ठीक है जी, जनरल टेस्ट जो होता है, ठीक है। इसके बाद बेटे अब अगली जो बात आती है कि मार्क्स कितने के होंगे, टोटल मार्क्स। तो जैसे अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम का है तो उसका 600 मार्क्स का पेपर होगा टोटली, हर एक ठीक क्वेश्चन के आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, और अगर आप गलत करते हो यानी आपने अटेम्प्ट किया है तो उसका एक, अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो एक नंबर कटेगा आपका। तो साइंस में जैसे 600 मार्क्स के पेपर होंगे आपके, ठीक है। कॉमर्स से अगर बच्चा तो 800 के होंगे, ह्यूमैनिटीज से है तो वहां पे भी 800 के होंगे। अब इसके अंदर बात आती है कि आपको मार्क्स कितने चाहिए। देखो भाई, अगर आप लोग चाहते हो कि जो DU के बेस्ट कॉलेजेस हैं वो आपको मिले, तो फिर साइंस के अंदर जैसे लास्ट ईयर का अगर हम कट ऑफ देखें तो 550 मार्क्स आपको चाहिए 600 में से, ठीक है। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि इससे कम है तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ बेस्ट गिने चुने कॉलेजेस हैं हमारे, तो वो आपको तभी मिलने वाले हैं इसमें, ठीक है जी। अगर ह्यूमैनिटीज से है कोई बच्चा तो उसको 750 मार्क्स चाहिएंगे 800 में से, और कॉमर्स में थोड़ा सा कट ऑफ आई जाती है तो 770 मार्क्स चाहिए होते हैं 800 में से, ठीक है जी। तो इसके अंदर आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिलने वाली है, खासकर जो हमारे यहाँ के बच्चे, हरियाणा वाले बच्चे दिल्ली जाके पढ़ना पसंद करते हैं, तो दिल्ली के जो बेस्ट कॉलेज हैं सब इसके अंदर आए हैं हमारे पास, ठीक है जी। और डीम्ड वाले भी बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, डीम्ड जैसे कि आप जानते हो कि जो पेड सीट्स होती हैं, तो वो भी इसके थ्रू ही अब एडमिशन दे रहे हैं, जैसे MT यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं आपकी, तो वो इसके थ्रू ही ले रही है, ठीक है। तो अब अगला आता है कि हम लोग सर इसकी तैयारी कैसे करें। देखो बड़े, जैसे जो हमारे बच्चे थे, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि केमिस्ट्री के अंदर जैसे हमने 10 चैप्टर पढ़े हैं प्लस 2 के अंदर, बट इसमें 16 चैप्टर आ रहे हैं आपके, पहले 16 चैप्टर होते थे, वो पूरे आने वाले हैं इसके अंदर। तो ये अब आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि वो 16 चैप्टर्स हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी है, जो मैंने आपको साइट बताई, मैंने सिलेबस डाल भी दिया था ग्रुप्स के अंदर, जो मेरे पास बच्चे पढ़ रहे थे, बाकी जो बच्चे सुन रहे हैं आप उनमें से किसी से भी ले सकते हो, तो उसके अंदर सारा आने वाला है आपका, कोई कट नहीं किया उन्होंने। जैसे प्लस टू के लिए तो कट कर दिया था इन्होंने लास्ट ईयर, बट यहाँ पे कट नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो आप लोगों को पूरा तैयार करना पड़ेगा जी, ठीक है। अगली बात आती है लैंग्वेज, तो इंग्लिश आप लोग पढ़ते ही हो, ठीक है, उसी से रिलेटेड है हमारे पास नरेशन होगी जैसे कि, ठीक है जी, जो मुझे ध्यान आ रही हैं चीज़ें, आर्टिकल्स हो गए, तो इस तरह की ग्रामर रिलेटेड। लास्ट जो GT है वो एक साइंस का बच्चा वैसे ही तैयार होता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो गया, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी उसके अंदर। फिर भी अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है जी, क्योंकि आप मुझे अच्छे से जानते हो कि मैं कोई प्रमोशन वीडियो तो बना नहीं रहा किसी के लिए, तो अपने बच्चों के लिए बना रहा हूँ। बट लेकिन एक जरूर सजेस्ट करूँगा, हमारे यहाँ जैसे कैथल से होंगे तो हमारे यहाँ कोई नहीं है इसके लिए, ठीक है। आप जो दे भी रहे हैं कोचिंग उनसे अच्छे आप खुद दो, ठीक है। तो हमें ऐसी जगह नहीं जाना कि हमारे पास टाइम ही 2 महीने है और हम लोग वो भी ख़राब कर लें अपने। तो इसलिए मेरी तो सलाह यही रहेगी आपको कि अगर आपको लेनी है तो आप ऑनलाइन लीजिए, बाहर भी मत जाइए, ठीक है, क्योंकि आप जाओगे 2 महीने का टाइम है, 15 दिन एडजस्टमेंट में लग जाएंगे आपके। तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बड़े सस्ते कोर्स वो देते हैं, तो आप उसको देखिए और वहाँ से इसकी कोचिंग लीजिएगा जी, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही था, फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मेरे से बात कर सकते हो। थैंक यू।